सरकार कार्रवाई के लिए CPGRAMS पर समाचार पत्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित शिकायतों को स्वचालित रूप से दर्ज करने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए काम कर रही है। एक, CPGRAMS का मतलब केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है। दो, यह नागरिकों को किसी भी विषय पर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए 24 घंटे उपलब्ध एक ऑनलाइन मंच है। तीन, इसमें निवारण के लिए RTI मामलों से संबंधित विषय भी शामिल हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए, केवल एक, बी, एक और दो, सी, दो और तीन, डी, उपरोक्त सभी। ए, केवल एक, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CPGRAMS एक ऑनलाइन मंच है जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों से अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए 24/7 उपलब्ध है। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है। उमंग के साथ एकीकृत स्टैंडअलोन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों के लिए CPGRAMS भी उपलब्ध है। जिन मुद्दों पर विचार नहीं किया जाता है, न्यायाधीन मामले या किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से संबंधित कोई मामला, व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद, RTI मामले, कुछ भी जो देश की क्षेत्रीय अखंडता या अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करता है। सुझाव, हाल ही में लोकसभा ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। एक, बिल कार्बन क्रेडिट बाजारों की स्थापना का प्रावधान करता है और बड़े आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के तहत लाता है। दो, यह गैर जीवाश्म स्रोतों के उपयोग को अनिवार्य करता है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद में सदस्यों को बढ़ाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सी, एक और दो दोनों। लोकसभा ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया जो कार्बन क्रेडिट बाजारों की स्थापना का प्रावधान करता है और बड़े आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के तहत लाता है। वस्तुओं और कारणों के बयान के अनुसार बिल ऊर्जा और फीड स्टॉक के लिए गैर जीवाश्म स्रोतों के उपयोग को भी अनिवार्य करता है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल शामिल हैं। बिल ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किया ताकि कार्बन बाजार स्थापित किया जा सके, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का दायरा बढ़ाया जा सके, दन प्रावधानों में संशोधन किया जा सके और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सके। अप्रत्यक्ष कर सरकार के राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। कथनों पर विचार करें और सही कूट संयोजन चुनें। एक, वित्त वर्ष 2019 में सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2011 में 43% की तुलना में 50% तक बढ़ गई। दो, OECD देशों में औसतन अप्रत्यक्ष कर उनके कर राजस्व में 33% से अधिक का योगदान नहीं करते हैं। तीन, अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में गैर प्रतिगामी है। एक, केवल दो, बी, एक और दो, सी, दो और तीन, डी, उपरोक्त सभी। बी, एक और दो, अप्रत्यक्ष कर आपूर्ति श्रृंखला में एक इकाई द्वारा एकत्र किया जाता है और सरकार को भुगतान किया जाता है, लेकिन इसका बोझ उपभोक्ता पर डाल दिया जाता है।
अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होते हैं क्योंकि वे अमीर और गरीब दोनों पर समान रूप से कर लगाते हैं। वित्त वर्ष 2019 में सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2011 में 43% की तुलना में 50% तक बढ़ गई। OECD देशों में अप्रत्यक्ष कर औसतन उनके कर राजस्व में 33% से अधिक का योगदान नहीं करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के संदर्भ में बयानों पर विचार करें। 1. भारत के उपराष्ट्रपति का पद कनाडा के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर तैयार किया गया है। 2. डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अलावा किसी भी व्यक्ति ने उपराष्ट्रपति के पद पर 2 या 2 से अधिक बार सेवा नहीं की है। 3. जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उपराष्ट्रपति का कार्यालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत परिभाषित किया गया है, जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। चुनाव प्रक्रिया काफी हद तक भारत के राष्ट्रपति के समान है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव करने वाला निर्वाचक मंडल भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार निर्वाचक मंडल से अलग है। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व का पालन किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मनोनीत सदस्य इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 और मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकाल या 2 से अधिक कार्यकाल पूरा किया है। एक रुपोरा हाल ही में खबरों में था, यह क्या है? यह भारत में कृषि उपज को कम करने वाले कीट की एक आक्रामक प्रजाति है। बी यह बायोडीजल संयंत्र की एक प्रजाति है। सी यह गुयाना हाइलैंड्स की एक नई ऑर्किड प्रजाति है। डी यह फाइलम निडारिया में छोटे पॉलीप स्टोनी कोरल का एक जीनस है। डी यह फाइलम निडारिया में छोटे पॉलीप स्टोनी कोरल का एक जीनस है। एक्रोपोरा फाइलम निडारिया में छोटे पॉलीप स्टोनी कोरल की एक प्रजाति है। इसकी कुछ प्रजातियों को टेबल कोरल, एल्कोन कोरल और स्टैगोन कोरल के रूप में जाना जाता है। एक्रोपोरा प्रजाति कुछ प्रमुख कोरल रीफ में से एक है, जो विशाल कैल्शियम कार्बोनेट सबस्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, जो रीफ की पतली जीवित त्वचा का समर्थन करते हैं। यह ऑस्ट्रेलियाई तट के साथ ग्रेट बैरियर रीफ में बहुतायत में पाया जाता है।